एवरीवन, आई होप यू पीपल आर डूइंग फाइन. आई एम फाइन. एंड आज की वीडियो इज फॉर एवरीवन, बी इट गर्ल बी इट बॉय, कोई भी एज ग्रुप है, ये वीडियो सबके लिए. इतने सारे स्किन केयर स्टेप्स से सब बोर हो जाते हैं और समटाइम्स जो एक नया बंदा है उसको समझ भी नहीं आती है कि कौन सा स्टेप पहले करना है और इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, कौन सा यूज़ करना है कौन सा नहीं यूज़ करना. सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल. जो लोग न्यू हैं स्किन केयर में, सो उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल है बिकॉज ईजी पीजी स्टेप्स हैं इसके और आप इनको एज इट इज़ फॉलो कर लें. जो प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ उनकी जगह आप कोई भी अपनी मर्जी का अपने स्किन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं. मैं अपने स्किन केयर करने लगी थी तो आई जस्ट थॉट कि मैं इस पर एक वीडियो बना दूँ सो दैट सबके लिए इजी हो जाए समझना. दिस इज़ द मॉर्निंग स्किन केयर. आप इजी रखें अपनी रूटीन लेकिन उसमें कंसिस्टेंट रहें. आप थोड़े से प्रोडक्ट्स दिन में यूज़ कर लें और थोड़े से नाइट में यूज़ कर लें एंड योर स्किन वुड बी फ्लॉलेस विद द पैसेज ऑफ टाइम. ऑब्वियसली हर चीज़ को थोड़ा सा टाइम तो लगता है. ऐसा नहीं होगा कि आप स्किन केयर आज करने शुरू करेंगे और आपको 2 से 3 दिन के बाद रिजल्ट्स मिलेंगे. ऐसा नहीं होगा. एटलीस्ट आप कोई भी चीज़ फॉलो करें, कोई वेट लॉस है, कोई स्किन केयर है, कोई प्रोडक्ट है, कुछ भी है, एटलीस्ट आप उसको 4 वीक्स तो दें उसके रिजल्ट्स को देखने के लिए. आई हैव क्लेंस्ड माई फेस एंड अभी मैं जैसे जैसे स्टेप्स फॉलो करती जाऊंगी प्रोडक्ट्स के, मैं साथ साथ बताती जाऊंगी कि कौन सा प्रोडक्ट कब यूज़ करना है. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई यूज़ 2 काइंड्स ऑफ टोनर्स. एक मैं यूज़ करती हूँ अपनी नाइट टाइम रूटीन में और दूसरा मैं यूज़ करती हूँ अपनी मॉर्निंग टाइम रूटीन में. सो आई एम अप्लाइंग दिस टोनर ऑन माई फेस. अच्छा, टोनर कोई सा भी हो पर यू हैव टू अप्लाई. आई एम नॉट अप्लाइंग इट विद कॉटन, आई एम अप्लाइंग इट विद माई फिंगर्स. अच्छा, ये वाला जो टोनर है, लाइक आई हैव स्टार्टेड यूजिंग इट सिंस कोई मुझे 4-5 महीने हो गए हैं ये वाला टोनर इस्तेमाल करते हुए और ये इतनी बॉटल यूज़ हुई है सिर्फ मेरी. नेक को आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं भूलना है कोई भी आप स्किन केयर करें. सो आई हैव अप्लाइड दिस टोनर ऑन माय फेस. आई वुड नॉट लीव माय अंडर आई एरिया. मैं अपने अंडर आई एरिया को नहीं छोड़ूंगी बिकॉज आपके जो रिंकल्स हैं, जो एजिंग के साइंस हैं, वो आपके अंडर आई एरिया से स्टार्ट होते हैं. लाइक आई डू हैव डार्क सर्कल्स और पफिनेस भी हो जाती है व्हेन आई वेक अप इन द मॉर्निंग. और अभी भी मेरी आईज जो हैं वो थोड़ी थोड़ी पफी हैं, बट दैट्स ओके, दैट्स नेचुरल. हर किसी की स्किन में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होते हैं, किसी की भी स्किन फ्लॉलेस नहीं होती. द ओनली थिंग इज दैट हम उसका ख्याल जरूर रख सकते हैं. दिस इज इन आवर हैंड. टोनर मैंने अप्लाई कर लिया है. उसके बाद आई एम यूजिंग दिस आई सीरम सिंस 2 to 3 weeks एंड दिस इज परफेक्ट. आई मीन दिस इज एनरिच्ड विद हाइलुरोनिक एसिड एंड कैफीन. और जब भी आप सुबह उठते हैं सो आपको कोई ऐसा इंग्रेडिएंट जरूर चाहिए होता है जो आपकी आईज को डीप अप करे. इसको अप्लाई करती हूँ मैं अपने अंडर आई एरिया पर लाइक दिस. अच्छा, जो इसका ये एप्लीकेटर है इट इज़ वेरी गुड बिकॉज आप इसके साथ अपने आई एरिया पे मसाज कर सकते हैं. आई अप्लाई इट ऑन अबव द आई एज अ वेल. अच्छा, मैं बिल्कुल बेसिक रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ व्हाट आई डू एवरी मॉर्निंग. आपने मेकअप करना है, आपने बाहर जाना है, आपने कहीं भी जाना है, सो आप ये वाली रूटीन जो है वो फॉलो कर सकते हैं. आई लेट इट ड्राई फॉर अ वाइल. अच्छा, उन्होंने कहा हुआ है कि आप इसके साथ तब तक मसाज करें जब तक ये बिल्कुल ड्राई ना हो जाए. सो मैं इसके साथ तब तक मसाज करती हूँ जब तक ये बिल्कुल ड्राई आउट नहीं हो जाता सीरम. और ये इतना अच्छा है, मैं इसको चिल्ड यूज़ करती हूँ. ऑल्दो ये कोई पीने वाली चीज़ नहीं है कि मैं इसको चिल करके यूज़ करूँ, लेकिन स्टिल बिकॉज आइस फेशियल्स एंड एनीथिंग कोल्ड कंप्रेशन की जो टेक्निक है वो हम डीप ऑफ करने के लिए आइस को यूज़ करते हैं. सो दैट इज़ वाई. अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा ड्राई होने दूँगी
एंड ये खुद ही से सेटल डाउन हो. आप चाहें तो आप इसको फुल फेस पर भी यूज़ कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ हाइलुरोनिक एसिड एंड कैफीन जो आपकी ओवरऑल स्किन के लिए ही बहुत अच्छा है. मैं इसको फुल फेस पर यूज़ नहीं करती बिकॉज आई यूज़ विटामिन सी सीरम इन द मॉर्निंग. मेरा वो आई सरम ड्राई हो गया था. उसको ऑलमोस्ट 60 सेकेंड्स लगते हैं वो ड्राई हो जाता है. कोई इतने मसले वाली बात नहीं है. सो उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ विटामिन सी सीरम. अच्छा विटामिन सी सीरम नाउ अ डेज जैसा कि मैंने पहले वीडियोस में भी शेयर किया है मैं हेलो ग्लो का यूज़ कर रही हूँ बिकॉज आई एम लविंग दिस प्रोडक्ट अलॉट. इसका ऑल्टरनेटिव भी बता देती हूँ. दिस जमल ब्यूटी का विटामिन सी सीरम ये भी बहुत अच्छा है. आपकी मर्जी है आप कोई भी विटामिन सी सीरम यूज कर लें. हमारा मकसद क्या है कि हमने कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट अपनी रूटीन में ऐड करना है. एक एक्टिव इंग्रेडिएंट हम मॉर्निंग में ऐड कर सकते हैं और एक एक्टिव इंग्रेडिएंट हम नाइट टाइम में ऐड कर सकते हैं. आप हाइलुरोनिक एसिड यूज कर लें, कोई भी ब्राइटनिंग सीरम यूज कर लें इन योर AM रूटीन. सो मैं ये हेलो ग्लो का यूज कर रही हूँ. वन ड्रॉप दिस साइड, वन ड्रॉप this side and it's enough. I'll massage it for a while until it absorbs in my skin. मैं इसको dab करके अपनी skin में अच्छे से absorb कर लूँगी. इसकी अच्छी बात मुझे ये लगती है कि ये फ़ौरन से dry हो जाता है और like you can see a visible glow. जैसे इसका ड्रॉप स्किन पे जाता है द ग्लो इज अमेजिंग एंड यू नीड दैट ग्लो ताकि पूरा दिन आपका अच्छा जाए. आई डू वर्क फ्रॉम होम बट स्टिल आई डू माय रूटीन फर्स्ट, उसके बाद जो है वो मैं कोई भी काम करती हूँ. लाइक इवन आई डू ब्रेकफास्ट अपनी मॉर्निंग स्किन केयर करने के बाद. सो अभी मैंने ब्रेकफास्ट करना है. बताने का मकसद ये है कि ब्रेकफास्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंस मेरे लिए मेरी स्किन केयर रूटीन की है. वो सीरम आपने अप्लाई करना है, आप अप्लाई कर लें. उसके बाद यू हैव टू यूज एनी मॉइस्चराइजर. मॉइस्चराइजर आप कोई भी यूज कर लें, कोई भी जो आपकी स्किन को सूट करता हो. लेकिन आपने मॉइस्चराइजर बिल्कुल स्किप नहीं करना. एंड इफ यू वॉन्ट टू नो द गुड मॉइस्चराइजर तो मैं अपनी वीडियो का लिंक शेयर कर देती हूँ. उसमें आई हैव टॉक्ड अबाउट अ लॉट ऑफ मॉइस्चराइजर्स. सो जो आपको अच्छा लगता है आप ले सकते हैं. नाउ अ डेज आई एम यूजिंग दिस डर्मी वे एंड लाइक ये स्किन में फॉरन से एब्जॉर्ब हो जाता है और आपकी स्किन को बिल्कुल ग्रीजी फील नहीं होता. मॉर्निंग में आई एम यूजिंग दिस वन एंड इवनिंग में आई एम यूजिंग दिस हेमिश का. ये इतना कोई सॉफ्ट मॉइस्चराइजर है, कोई मक्खन मलाई जैसे आपकी स्किन हो जाती है. सो अभी जो है वो मैं ये वाला यूज कर रही हूँ. मैंने 4 ड्रॉप्स अप्लाई किया है अपने फेस पे एंड मैं इसको एब्जॉर्ब होने देती हूँ मसाज करके. मॉइस्चराइजर की इतनी इम्पॉर्टेंस है ना आपकी स्किन केयर में, आप सोच भी नहीं सकते. बिकॉज आप कंपेयर कर लें अपनी स्किन को जब आप मॉइस्चराइज करते हैं और जब आप मॉइस्चराइज नहीं करते. ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप कोई दिन पानी पिए बगैर गुजार लें, और हम पानी पिए बगैर कोई दिन इमेजिन नहीं कर सकते. सो इसी तरीके से हम अपनी स्किन को बिल्कुल इमेजिन नहीं कर सकते मॉइस्चराइजर के बगैर. मैं तो नहीं कर सकती बिल्कुल. लाइक दिस इज़ अ वन थिंग. बेशक और कोई चीज़ स्किप हो जाए पर मॉइस्चराइजर इज़ जस्ट वन स्टेप जो मैं कभी स्किप नहीं होने देती. सो जो आज की रूटीन है इट इज़ अ वेरी बेसिक, वेरी बेसिक, जो एक ले मैन को भी समझ आ जाए कि हमने कौन सी प्रोडक्ट कब लगानी है और हमने कौन सी प्रोडक्ट मिस नहीं करनी. सो आई जस्ट थॉट कि मैं बार बार प्रोडक्ट रिव्यूज़ ऐड करती रहती हूँ, पर आई शुड कम अप विथ सम बेसिक थिंग्स फॉर द बिगिनर्स और एनी एज ग्रुप, टीनेज, कोई भी, बी इट अ गर्ल और अ बॉय, दे कैन फॉलो दिस सिंपल रूटीन. मेरा सारा मॉइस्चराइजर जो है वो एब्जॉर्ब हो गया है. अब जो अगला स्टेप है वो इतना इम्पॉर्टेंट है जैसे आप कह लें कि हम सालन नमक के बगैर इमेजिन नहीं कर सकते. या एग्जाम्पल देती हूँ एक और, जैसे पिज्ज़ा है तो वो हम चीज़ के बगैर इमेजिन नहीं कर सकते. इसी तरीके से हम सनब्लॉक की इम्पोर्टेंस को अपनी रूटीन से
लाइक स्किप नहीं कर सकते. सन ब्लॉक किसी भी सीजन में हमारे लिए इतना ही ज़रूरी है जितना पिज्ज़ा के लिए चीज़ ज़रूरी है, या लाइक बिरयानी. बिरयानी भी हर घर में, लाइक एवरीबडी लव्स बिरयानी मोस्टली. आई एम टॉकिंग अबाउट मोस्ट ऑफ द पीपल, मेजॉरिटी पीपल. सो जितना हम सबके लिए वो सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, उतना ही हमारी स्किन के लिए सन ब्लॉक ज़रूरी है. ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है. दीज आर माई पर्सनल फेवरेट थिंग्स जो मैं डेली यूज़ करती हूँ. सो दीज आर द टू सन ब्लॉक्स. समटाइम्स आई यूज़ यूवियन सन ब्लॉक एंड समटाइम्स आई यूज़ न्यूब्रेला. दोनों ही सन ब्लॉक्स मेरे पर्सनल फेवरेट्स हैं. सो आप कोई सा भी सन ब्लॉक ले लें, लेकिन आपने उसको इस्तेमाल ज़रूर करना है अपनी रूटीन में. और बाकी प्रोडक्ट्स में तो बेशक आप थोड़ी थोड़ी कंजूसी कर लें कि आप कम यूज़ करें, लेकिन सन ब्लॉक आपकी ये दो फिंगर्स लाइक ये भर के आपने अपने फेस पर लगाना है, ताकि अच्छे से आपको प्रोटेक्शन मिले फ्रॉम यूवी रेज. लेकिन यूवी ऑन का सन ब्लॉक एंड इतना सारा मैंने ले लिया है, और इसकी कोई वाइट कास्ट नहीं है. द गुड थिंग अबाउट दिस सन ब्लॉक इज कि ये आपकी स्किन पर वो कोई वाइट कास्ट नहीं छोड़ता. सो इसके बाद आप मेकअप अप्लाई करें या ना करें, या सिर्फ कंसीलर अप्लाई कर लें, वट एवर यू वॉन्ट टू वियर, आप इसके बाद आराम से अप्लाई कर सकते हैं और वो स्किन में ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब होगा. सो इट एक्ट्स एज अ प्राइमर एज वेल अगर आप इसको फाउंडेशन से पहले यूज़ करते हैं. बेसिकली वट आई डू कि अगर रात को भी मुझे मेकअप करना है और मुझे कहीं जाना है, सो मैं तब भी सन ब्लॉक के बगैर मेकअप नहीं करती, बिकॉज सन ब्लॉक जो है वो इतने अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब होता है और आपकी फाउंडेशन को इतने अच्छे से सेटल करवाता है, ये सारा सेटल डाउन हो जाएगा. थोड़ा सा इट कैन टेक टाइम, लेकिन आपकी स्किन में अब्जॉर्ब ज़रूर हो जाएगा. आई नो आई वॉज लुकिंग लाइक अ जोकर सारा मुंह वाइट करके, लेकिन इट हैज़ सेटल्ड डाउन और ये अब्जॉर्ब हो जाता है बिल्कुल. अच्छा, कुछ लोगों का ये कॉन्सेप्ट भी है कि इफ़ दे आर नॉट गोइंग इन द सन तो क्या तब भी उन्हें सन ब्लॉक की ज़रूरत है. हाँ जी बिल्कुल, उन्हें तब भी सन ब्लॉक की ज़रूरत है, बिकॉज द लाइट जिसमें मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और जो भी हमारी नॉर्मल LEDs हैं, लाइट्स हैं घर में, उनसे भी आपकी स्किन जो है दे वो डैमेज होती है. और सन ब्लॉक जो है वो उन लाइट की रेज से भी आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है और एजिंग से बचाता है. सो जितना जल्दी हो सके आप अपनी स्किन रूटीन में सन ब्लॉक इनकॉर्पोरेट कर लें, इवन मैन इवन बॉयज़ वो भी. सो दिस वीडियो, ये बिल्कुल मेरी वीडियो जेंडर अनबाइस्ड है, हर कोई इसको फॉलो कर सकता है, द सेम रूटीन. और मैंने इतनी सारी अमाउंट ली थी और आपको उस वक्त लग रहा होगा कि ये मैंने बहुत ज़्यादा अप्लाई कर लिया है, जो कि बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं था. और ये सारे स्टेप्स फॉलो करने के बाद यू कैन सी द शाइन, यू कैन सी द ग्लो. सो आई हैव अप्लाइड सन ब्लॉक ऑन माई हैंड्स टू, बिकॉज योर स्किन नीड्स सन ब्लॉक एवरी डे, एवरी सिंगल डे. आप ये स्टेप तो बिल्कुल मिस नहीं कर सकते. इवन जितने सारे मैंने बेसिक स्टेप्स शेयर किए हैं, आप उसमें से कोई भी मिस नहीं कर सकते. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई फॉरगॉट टू अप्लाई लिप बाम. सो यस, दिस वॉज माई क्विक ईजी AM routine which I have shared. I hope इस video से आपको help मिलेगी और motivation भी मिलेगी कि हर रोज़ नाश्ता करने से पहले you have to follow this basic skin care routine. And I just forgot to wear my tops. पूरी video record हो गई है और चलो अब पहन लेती हूँ. And this was the quick. I hope my video would be helpful, because I get a lot of queries ke kaun se step kab karna hai. So I just thought to make a detailed video jisme sare steps aaram se samajh aa jaye and you can stop and watch again. This was all about today's video and I'll come up with the next video. Tab tak ke liye take good care of yourself, stay happy, stay blessed, stay positive. Allah Hafiz.